हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था। इन दोनों एंगल्स के सम का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को हमने प्रूफ किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के। आज मैं और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। चलिए पहले हम क्वेश्चन वन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन क्या है, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वह रेशियो में है 3:5:7:9। फाइंड द एंगल्स, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल का वो रेशियो में दिया गया है। तो हम लोग रेशियो को एक्स मान के कर लेते हैं। लेट सपोज द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर, ठीक है, एंगल्स आर 3 है 3x डिग्री, 5 है 5x डिग्री, 7 है 7x डिग्री, 9 है 9x डिग्री। ये फोर एंगल्स हो गए। मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 3x डिग्री + 5x डिग्री + 7x डिग्री + 9x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री हुआ। 5 + 3 = 8 + 7 = 15 + 9 = 24 24x डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। x कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो 360 में x क्या 24 को डिवाइड कर दें, x कितना हो गया, x क्या निकल के आ गया यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। तो x 15 डिग्री आ गया, तो पहला क्या है 3x डिग्री, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे पहला आ गया 45 डिग्री। दूसरा क्या है 5x डिग्री, x की वैल्यू 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिग्री। थर्ड क्या है 7x डिग्री, अब 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 105 डिग्री। फोर्थ क्या है 9x डिग्री, अब 9 को x की वैल्यू 15 रखेंगे 135 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को आप ऐड करिए तो फिर भी वैल्यू निकल के आएगी 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, इन चारों एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोग घर पे इसको रिवाइज कीजिए। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3। द सम ऑफ द लीस्ट मतलब जो सबसे कम है एंड द ग्रेटेस्ट of these is 180 degree। क्या है, जो least होगा और जो greatest होगा उन दोनों angles का sum कितना होगा, 180 degree होगा। Find all the angles of a quadrilateral, ठीक है। चलिए solution करते हैं।
पहले हम मेजर्स निकालेंगे, मेजर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। सपोज मेजर्स ऑफ एंगल x मान लीजिए आप लोग, सपोज मेजर्स ऑफ एंगल क्या है, 1 है तो x डिग्री, 2 है 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। अब इसमें ये लीस्ट है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। x क्या है, लीस्ट है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन से क्या है, लीस्ट और ये ग्रेटेस्ट दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। लीस्ट कितना है, x डिग्री, ग्रेटेस्ट कितना है, 3x डिग्री, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 3x कितना हो गया, 4x डिग्री, 4x डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। x डिग्री ये मल्टीप्लाई में है तो 180 डिग्री बाई कितना हो गया, 4। जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। जब x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, अदर एंगल्स क्या हो जाएंगे, अदर एंगल्स आर, अदर नहीं, थ्री एंगल्स आर। अब x में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला तो 45 है, 45 इंटू 1 45 डिग्री, दूसरा क्या है 45 इंटू 2 90 डिग्री, तीसरा क्या है 45 इंटू 3 135 डिग्री। ये तीनों एंगल्स क्या आ गए तीनों एंगल्स निकल के 135 डिग्री। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम मान लेते हैं एंगल ए है, इसको हम मान लेते हैं एंगल बी है, इसको हम मान लेते हैं एंगल सी है। तो अब हमें क्या करना है, फोर्थ एंगल निकालना है, ऑल द एंगल्स। तो तीन एंगल हमें पता है, हमें फोर्थ एंगल निकालना है। तो फोर्थ एंगल हम मान लेते हैं एंगल डी है, डी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें डी निकालना है। तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री, हमें एंगल डी निकालना है, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जब इन तीनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 45 कितना, 135, 135 प्लस 135 होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एंगल डी हो जाएगा 270, जब राइट हैंड साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 270 जब राइट हैंड साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 माइनस 270 डिग्री। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल्स यहां से निकल के आ गए। तो चारों एंगल्स क्या क्या निकल के आए हैं, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। एंगल ए कितना आया हमारा, 45 डिग्री, एंगल बी कितना आया हमारा, 90 डिग्री, एंगल सी कितना आया हमारा, 135 डिग्री, और एंगल डी कितना निकल के आया हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों एंगल्स थे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से करिएगा, कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, घर पे खुद से करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर ऑफ मेजर्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, 65 डिग्री ईच। ठीक है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ, आइदर ऑफ दीज टू एंगल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक हो गया क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर
65 डिग्री ईच। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि इसके दो एंगल क्या हैं, 65 डिग्री हैं। क्या है? 65 डिग्री है। तो मान लीजिए एक एंगल ये है 65 डिग्री और एक एंगल ये है, क्या है, 65 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, 65 डिग्री। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों जो एंगल हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल हैं। इसको x मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए, x। व्हाट इज द मेजर ऑफ आइदर ऑफ द दीज टू एंगल्स? तो ये चारों एंगल्स हो गए और चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो x प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। 65 ऐड करेंगे 130 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 230 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 230 डिग्री अपॉन में 2, x इज इक्वल टू आ गया 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री, और ये कितना हो गया, 115 डिग्री। जो अदर टू एंगल्स हैं उनका सम क्या हो गया, 115 डिग्री। तो एंगल ए 65 डिग्री आ गया, एंगल बी 115 डिग्री आ गया, एंगल सी 65 डिग्री आ गया, और एंगल डी कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन था उसमें ये दिया गया था, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65 डिग्री ईच। जो दो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के, वो दोनों क्या हैं, 65 डिग्री हैं ईच। प्रत्येक एंगल कितना है, 65 डिग्री। ये दोनों एंगल है, ये दोनों क्या है, 65 डिग्री। और जो अदर टू एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। इसको x मान लिया हमने, इसको भी x मान लिया। अब चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये चारों एंगल्स का सम क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया 360 और सॉल्व किया, x की वैल्यू 115 डिग्री आ गई। ठीक है, ये 115, ये भी 115, ये 65 डिग्री और ये 65 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, एक फिगर में बना रहा हूं। ठीक है, ये फिगर है, यहां से मैं क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी। ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, ये 115 डिग्री है और ये क्या है, 25 डिग्री है। ठीक है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ए 125 डिग्री, 115 डिग्री, इसको हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन पे है, एंगल 2 प्लस 125 डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से, यहाँ भी एंगल 1 प्लस 115 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। चलिए सॉल्व करते हैं, एंगल 1 प्लस 115 डिग्री, एंगल 1 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल 1 यहाँ से निकल जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल 1 कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कितना आ गया, 65 डिग्री। और अब हम ऐसे एंगल 2 निकाल लेंगे, एंगल 2 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो एंगल 2 यहां से निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो क्या आ गया, एंगल 2 कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 2 कितना आ गया, 55 डिग्री, एंगल 1 कितना आ गया, 65 डिग्री। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, y प्लस 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है,
तो वाई प्लस 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, वाई कितना आ गया 60 डिग्री। वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60। अगर ये वाई 60 डिग्री आ गया तो एक्स और वाई क्या बना रहा है लीनियर पेयर, एक्स और वाई क्या बना रहा है यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे लीनियर पेयर वाई की वैल्यू 60 है, एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने किया है, आप लोग स्टेप्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ये आपका फिगर है। ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ये नहीं, ये 120 दिया हुआ है और ये 125 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल 2। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको वर्टिसेस के नाम ए बी सी डी। ठीक है, सॉल्यूशन ए बी सी डी क्या है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है और एक्स वाई जेड 120 डिग्री, एक्स वाई जेड एंड 120 डिग्री, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये सारे के सारे क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये सब क्या है गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब गिवन है। ठीक है, हमें पहले एंगल वन निकालना है, जब हमें एंगल वन निकल जाएगा तो लीनियर पेयर से जेड भी निकल जाएगा, जेड निकलते ही हम लोग एक्स और वाई को भी क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। चलिए एंगल 1 प्लस 110 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस नहीं ये नहीं, पहले एंगल 2 को फाइंड करते हैं। एंगल 2 तो लीनियर पेयर से एंगल 2 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 क्या निकल के आ गया 60 डिग्री, एंगल 2 60 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 125 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसके थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360, इनको जब ऐड करेंगे 110 प्लस 60 170, 170 प्लस 125 कितना 295 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंगल 1 यहाँ से निकल के आएगा 360 डिग्री माइनस 295 डिग्री कितना आ गया एंगल 1 निकल के 65 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 65। अगर एंगल 1 की वैल्यू 65 आ गई तो लीनियर पेयर से जेड की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, जेड कितना आ गया निकल के 115 डिग्री, कितना आ गया 115 डिग्री, जेड की वैल्यू क्या निकल के आ गई 115 डिग्री। अगर और यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है एक्स प्लस 110 डिग्री, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ फिर आगे करते हैं, ऊपर से आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस 110 डिग्री क्या हो गया लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 180 डिग्री
-110 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 70 डिग्री। ऐसे यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है, वाई प्लस 125 डिग्री, वाई प्लस 125 डिग्री कितना है 180 डिग्री, तो वाई इजक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, -125 डिग्री वाई इजक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। ठीक है, तो हमने निकाला एक्स की वैल्यू कितनी आई 70 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई 55 डिग्री और जेड की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। हमें यही थ्री वैल्यूज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।